अब आगे की बात करते हैं। आगे बात है कि हमको पता है, हम आईआर में पढ़ते हुए आए हैं कि भैया बॉन्ड ऑर्डर ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। मतलब सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा क्या हो गई मेरी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी मेरे आईआर के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूं इन केस ऑफ सिंपल सी ट्रिपल बॉन्ड हो, जब मेरा कोई मेटल के साथ बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो सी क्या है, कार्बन पर कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इन केस ऑफ सीओ, या मैं लिखूं फ्री सीओ के केस में, कार्बन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। जबकि हम सोचते थे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बोनिल बन जाता है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाना चाहिए था। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है भाई। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोफिलिक होने का रीजन मैं बताऊंगा अभी, कि फ्री कार्बन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि उस पर तो एक लोन पेयर है, और लोन पेयर है किसी चीज पे, वो इलेक्ट्रोफाइल हो कैसे सकता है भाई, वो रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज्यादा है, फिर वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, सोचने वाली बात है, नहीं हो सकता। तो इसका रीजन क्या है कि भैया, बट वैन इस सीओ को मैं मेटल के साथ अटैच कर दूं, वैन इट अटैच विद मेटल, विद मेटल, मेटल के साथ सीओ को अटैच कर दिया, कि मेटल और कार्बोनिल की अब क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है। अब ठीक है, मेटल की कार्बोनिल की बॉन्डिंग हो गई, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं था, अगर मैं यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा था तो वो नहीं हो रहा था। पर इस केस में क्या होगा, अब ये मेटल कार्बोनिल ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दिया है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है। अब कैसा सेंटर बन गया है, गया कि जब ये मेटल से अटैच हो जाएगा कार्बोनिल, तो कार्बोनिल अपना डोनेट कर रहा हुआ, अब मेरे पास रीजन क्या था भाई कि मेटल कार्बोनिल से बॉन्डिंग होगी, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि जो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनने से रोक रहा था वो क्या था, लोन पेयर का प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसने मेटल को डोनेट कर दिया, और जब मेटल को डोनेट कर दिया तो अब इसके पास COO की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क करेगी, SpO इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना जाएगा और इसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल होगा। लेकिन अभी एक सिर्फ क्या कर रहा है, सिग्मा डोनेशन। सोचो ये पाई डोनेट, पाई बैक बॉन्डिंग भी करे तो क्या होगा, मेटल ने से कार्बोनिल ने मेटल को डोनेट किया और मेटल बाद बच देने लगा, तो अब क्या होने लगा, इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर घटेगा। तो लिख सकते हैं पाई बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ सीओ, क्या नेचर ऑफ सीओ, सीओ का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर देता है मेरा, पाई बैक बॉन्डिंग यहां भी कम कर देती है। देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से ज्यादा है मेटल की, तो बैक बॉन्डिंग होनी ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होनी, मेटल मेरा सिर्फ सिग्मा डोनर के केस में एक्ट करेगा। प्लस टू प्लस वन के केस में डिपेंड कर जाता है कि होगी या नहीं होगी, वो कंडीशन पे रहता है, और निगेटिव और जीरो में तो होती है पाई बैक बॉन्डिंग। देखो अब मानते हैं बॉन्ड ऑर्डर, सीओ के बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, तो यहां से मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ सीओ। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सीओ के बॉन्ड नेचर की। देखो सीओ कब सिग्मा डोनर की तरह एक्ट कर सकता है, सिर्फ या तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से ज्यादा हो, या पॉजिटिव हो या हाई हो, या सिर्फ किस कोई मेरे पास लुईस एसिड हो, लुईस एसिड जैसे BF3 हो गया, BH3 हो गया, BH3 क्या है, एक लुईस एसिड है, कैसा एसिड है, लुईस एसिड है, तो मेरा सीओ सिर्फ लुईस बेस की तरह ही काम कर सकता है। किसकी तरह काम करेगा, सीओ एक लुईस बेस की तरह काम करेगा,
क्या करेगा, ये सिर्फ अपना इसके बैकेंड पी ऑर्बिटल में इसको डोनेट ही करा सकता है। बी एफ थ्री के पास कौन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कौन से डी फील्ड है इसके जो बैक बॉन्डिंग करे। लुईस एसिड है भैया ये, तो वी एफ थ्री सी ओ क्या कर पाएगा, अपने इनको डोनेट करा देगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी एफ थ्री, तो ओनली सिग्मा बॉन्डिंग की तरह एक्ट करेगा। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड की तरह एक्ट करेगा ना बी एफ थ्री के, सोचो तब इस सीओ का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, इस सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और तीन से भी ज्यादा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3.1 की तरह हो जाता है। यानी ये सिग्मा बॉन्डिंग, सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग होगी इस केस में, पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। तो याद रखिए जब भी लुईस एसिड से मेरा कोई भी कार्बोनिल अटैक करेगा या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह का होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सिर्फ, तो सिग्मा बॉन्ड इस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ को इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ नॉर्मली 3 होता है, उससे थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.1 हो जाएगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि मेरा मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उससे सीओ अटैच्ड है, ठीक है, मेरा फ्री सीओ है और मेरा मेटल जीरो और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे सीओ अटैक्स है, ठीक है। तो यहां सीओ ओनली सिग्मा डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, और यहां सीओ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। मेटल सीओ, ठीक है, सीओ मेटल सीओ और सीओ ब्रिजिंग, ये तो सब टर्मिनल सी हो गए, सीओ ब्रिजिंग, यहां सीओ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ब्रिजिंग की तरह, यहां सीओ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ब्रिजिंग की तरह एक्ट कर रहा है, ऊपर देखिए ब्रिजिंग की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, थोड़ा इधर लिखना था यार, कोई नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं इसके बॉन्ड ऑर्डर की, कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी ओ, सी एंड ओ के बीच का बॉर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सी एंड ओ। तो देखो ये भैया ओनली सिग्मा डोनर का केस है, जब ये लुईस एसिड वाला केस बन गया, कौन सा केस बन गया, लुईस एसिड वाला, और लुईस एसिड वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ तीन से भी ज्यादा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.1, फ्री सीओ 3 के आसपास होगा, और सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, जितना सिग्मा डोनर ने बढ़ाया होगा ना उससे ज्यादा पाई एक्सेप्टर नेचर ने कम कर दिया होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 2.5 होता है, और ब्रिजिंग का तो 2 ही होता है भैया, ब्रिजिंग क्या होता है 2। अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं इनकी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सी ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या सी ओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो जब वो 3.1 बॉर्डर बॉन्ड ऑर्डर वन बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो 2200 टू 2300 के सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होगी, ठीक है। और इस केस में जब फ्री सीओ होता है तो ये होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ये डाटा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डाटा ही मुझे बताता है कि मेरा सीओ किस नेचर का है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, या फ्री है, या सिर्फ सिग्मा डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, पाई डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, या ब्रिजिंग की तरह एक्ट कर रहा है। ये IR का डाटा ही, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डाटा ही मुझे बताएगा, यही तो एक्सपेरिमेंटल डाटा बताता है। और जब 2.5 सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर की तरह काम करता है, तो ये 2100 से लेकर 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। और जब ये तो कार्बोनिल बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, 1700 के आसपास होगी, ठीक है, 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डाटा ही मुझे बता देंगे कि मेरा सीओ का नेचर कैसा है, ठीक है। पर एक केस और बनता है, सोचो कि भाई सीओ तीन मेटल से भी तो कंबाइंड हो सकता है, एक मेटल, दो मेटल, तीन मेटल, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 हो जाता है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1750 से लेकर 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे। लो और भी कम होगी, ठीक है, और भी कम होगी मेरी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, 1750 से लेकर कहाँ होगी, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स की होगी, क्योंकि जब मेरा सीओ तीन मेटल के अंदर शेयर होता है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि जब भैया लुईस एसिड से कनेक्ट होगा, सो जो लुईस एसिड बॉन्ड विद सीओ, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस,
क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ का बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल 2143 है, इससे ज्यादा ही होगा, 2163। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कार्बोनिल की क्या हो जाएगी, 2163 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हो जाएगी। इस पर मेटल के साथ, मेटल देखो मेटल ज्यादा भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, मेटल जो है वो ज्यादा भूखे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, तो मेटल ज्यादा खाते हैं भाई, इसलिए यहाँ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा होगी। तो मुझे यहाँ से दोनों स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डाटा से ये भी पता चल गया कि मेटल जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस टू से ज्यादा, उनको ज्यादा नीड है BH3 या किसी भी लुईस एसिड से भी ज्यादा नीड है किसकी, CO के सिग्मा डोनेशन की, ठीक है। अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स की बात कर लेता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था Fe2CO3 का स्ट्रक्चर, Fe2CO9 का, Fe2CO3 निकल रहा है, Fe2CO9 का स्ट्रक्चर बताया था, और उसमें मेरे टर्मिनल CO भी थे और ब्रिजिंग CO भी थे। तो वो सब CO का मुझे पता कैसे चलेगा कि टर्मिनल है कुछ और कुछ ब्रिजिंग है, उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो मैं यहां देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं Fe2CO9 वाला, ठीक है। अब यहां इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कुछ सीओ की 1890 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास है, कुछ की एक की 1920 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास है, एक की 1850 सेंटीमीटर इनवर्स है और एक की 1821 सेंटीमीटर इनवर्स है। देखो जिसकी 1890 सेंटीमीटर इनवर्स है, पक्का का पक्का 100% ये टर्मिनल सीओ है, टर्मिनल सीओ, और ये टर्मिनल सीओ कैसा है, पाई एक्सेप्टर है। कैसा है तो जो पाई एक्सेप्टर होते हैं वो सिग्मा डोनर तो होंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड ही तो बना होगा तभी तो पाई बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। और ये 1920 वाला भी कैसा सीओ है, टर्मिनल सीओ है, और ये भी पाई एक्सेप्टर है। और ये 1850 और 1850 वाला जो सीओ है मेरा, ये डाइब्रिज्ड सीओ है। कैसा सीओ है, डाइब्रिज सीओ, मतलब दो मेटल के बीच में शेयर्ड वाया सीओ ही, ये मेरा 1850 दे रहा है। सेम 1821 भी डाइब्रिज्ड सीओ है, डाइब्रिज्ड सीओ है, ये भी दो मेटल आयन के बीच में शेयर है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे, कुछ एक क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत सही, उसमें सारा पता चल जाएगा आपको, सारा कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर हो जाएगा मेटल कार्बोनेस की बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ मैं कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं का, ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स या कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जिनकी हम बहुत सारी चीजें कंपेयर करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स क्या क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स है मेरा FeCO का होल 6 2+, ठीक है। अगला है CrCO का होल 6 0 में, अगला है MnCO का होल 6+1, ठीक है, और नेक्स्ट है VCO का होल 6-, ठीक है। अब ये मेरे चार कॉम्प्लेक्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इनमें मुझे बहुत सारी चीजें कंपेयर करनी है। सबसे पहली बात तो कोई कलरफुल चौका, हाँ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, यहाँ Fe+2 में, यहाँ क्रोमियम 0 में, यहाँ Mn+1 में, और ये निगेटिव में। देखो भैया निगेटिव और जीरो वाले तो पाई बैक बॉन्डिंग करेंगे, प्लस वन वाला करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करेगा, और प्लस टू वाला तो करेगा ही करेगा, वैसे पॉजिटिव है तो प्लस वन वाला नहीं करेगा और पॉजिटिव वाला तो करेगा ही नहीं, टू प्लस वाला तो नहीं करते हैं बेसिकली बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं, सबसे पहले बात करूं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा निगेटिव वाले में होगी, फोर्थ की मैक्सिमम, उससे कम सेकेंड की, और उससे कम थर्ड की, और सबसे कम किसकी होगी, फर्स्ट की होगी। क्या होगा, सेकेंड फोर्थ सेकेंड थर्ड फर्स्ट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर तो यही बन के आएगा, क्योंकि भैया वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिर जीरो आएगा, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू। अगला बात करूं मैं एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, देखो जितनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग, तो सेम ऑर्डर, फोर्थ सबसे ज्यादा, सेकेंड थर्ड, और सबसे कम फर्स्ट, बिल्कुल सेम, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर वही एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, ठीक है। अगला ऑर्डर देखता हूं, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन
मेटल एंड कार्बन, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर भैया, जिसमें जितनी ज्यादा बाय बॉन्ड नहीं उसमें मेटल कार्बन का बॉन्ड उतने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मेटल कार्बन के बीच का ऑर्डर भी क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब बात करता हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन, या बॉन्ड इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल एंड कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी भाई, क्योंकि भैया जो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर अभी बताया था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन का हो रहा है। देखो अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, और अभी तक जो बात कर रहा था कार्बन ऑक्सीजन की बात कर रहा था। कभी बोलो कि अभी आपने बोला एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग जितनी होती है उतना बॉन्ड ऑर्डर घटता है, और यहां तो बढ़ा रहे हो, यहां मैं मेटल कार्बन का बॉन्ड बात कर रहा हूं। देखो मेटल कार्बन का बॉन्ड पाई बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटता है। यहां मैं मेटल कार्बन के बॉन्ड की बात कर रहा हूं, और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी यही होगा जो इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है बॉन्ड ऑर्डर, या बात करूं मैं इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ CO, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन। देखो मैंने बताया था जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होती है उतना इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन घटता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर फर्स्ट वाले का होगा, यहाँ फोर्थ, सबसे कम, फिर उससे कम सेकेंड, उससे थोड़ा ज्यादा थर्ड, और सबसे ज्यादा फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और सबसे कम फोर्थ होगा, फोर्थ सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर होगा। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, C एंड O, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन C एंड O के भी बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, तो उसका ऑर्डर भी यही होगा, फोर्थ सेकेंड थर्ड फर्स्ट। भैया जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना कम CO का बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं बात करूं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO जितना ज्यादा हो, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब सोचो यहां तो मेरी क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग थी, क्या थी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग थी, पर क्या केस आएगा, सोचो व्हेन, यहां तो सारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग थी, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज सीन, मेटल इज सीन, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए तो फिर मैं कैसे कंपैरिजन करूंगा, अगर ये भी प्लस वन में दे दिया जाए और ये भी प्लस वन में दे दिया जाए, ठीक है, तो कैसे कंपेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन कि दोनों प्लस वन में है तो दोनों को कैसे कंपेयर करूंगा, तो हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल, क्या देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी मेटल की उतनी कम क्या होगा एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग होगी, भाई क्यों देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल को हम कैसे चेक करें, कुछ लोग इसको बताते हैं डी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, की कितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पर भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि डी इलेक्ट्रॉन के बेसिस यह बता दूं कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, यानी D1 से D9 की तरफ जब बढ़ेंगे हम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, क्या होती है इंक्रीज होती है। इसी तरीके से कुछ लोग डी इलेक्ट्रॉन से भी इसको समझाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन से कैसे समझाते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग घटती है। भाई उसका रीजन तो यही है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल की क्या हो रही है, क्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग घट रही है। तो मैं इसको समझा सकता हूं कैसे, कुछ लोग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट बताते हैं कि एज डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, और एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगा,
डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और लेफ्ट टू राइट डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग पे सारे फैक्टर डिपेंड है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, और बॉन्ड ऑर्डर भैया स्ट्रेंथ भी पूछ लेता है, तो ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बात बेसिक है, बिल्कुल कक्षा 11 की बात है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और उतनी कम बॉन्ड लेंथ। जबी तो N2 के बीच में तीन बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर तीन होता है, क्या बॉन्ड लेंथ छोटी, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और बॉन्ड लेंथ N2 से बड़ी। ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड शॉर्ट होते हैं, डबल बॉन्ड उससे बड़े और सिंगल बॉन्ड उससे भी बड़े। ये रीजन यही है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यही मैं बता दूंगा कि डी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ गया, घट गया तो जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि क्या होगा देखो एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग घटेगा तो मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया जितना मैंने सब बताया ना कि एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग से मैंने सारे फैक्टर बता ही दिए कि इसके घटने बढ़ने से क्या होगा, घटेगी एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग घटेगी तो सारे रीजन बता दिए, वही सब लगा लेंगे अब डी इलेक्ट्रॉन के केस में। जब किस चीज में, जब मेरे मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल देखेंगे, फिर मेटल को देखेंगे यानी उसकी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस बनता है, ये तो हो गया केस वन। अब एक ही ग्रुप के तीन मेटल हो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, केस टू क्या बनता है कि ये तो हम लेफ्ट टू राइट चले गए, अगर हम सीआर सीओ का होल सिक्स, एमओ सीओ का होल सिक्स और डब्ल्यू सीओ का होल सिक्स देख रहे हैं, यानी टॉप से हम कहां जा रहे हैं, बॉटम में जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, तो कैसे मेजर करूंगा मैं, तो क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो बता दूं कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, घटती है, डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस तो पता ही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, यानी नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। ठीक है, मोबाइल, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। अरे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में क्या बढ़ाया हुआ सुमित सर में, कि जब 4D और 5D का मेटल लेते हैं तो क्लोरीन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लगता है, यानी भाई वो पाई बॉन्डिंग चाहते हैं, जिसका रीजन ये होता है नीचे जाने पर भैया क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट्स इट। ठीक है, और यहां से मुझे एक बात और समझ में आनी है, ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक नोट और डाल लेंगे यही कि जितने भी लिगेंड होते हैं उनमें अनसेचुरेशन होगा, अगर ऑल लिगेंड्स दोस हैव अनसेचुरेशन, जिनमें अनसेचुरेशन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कैन ऑल लिगेंड्स दोज हैव अनसैचुरेशन कैन एक्ट एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, या कह सकता हूं कि जिनमें भी क्या अनसैचुरेशन होता है जिन लिगेंड्स में, वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं या पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगली चीज की बात करते हैं, ठीक है, कि ये तो पहला फैक्टर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ये डाल लेना। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है कि जब मैं टॉप से बॉटम में जाता हूं, ठीक है, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, बिल्कुल, तो साइज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग
डिक्रीज होगा, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। अब यहां मजा आ गया, ठीक है, जिससे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहां बढ़िया मजा आया कि भैया फैक्टर, एक फैक्टर तो मेरा बता रहा है कि एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी, और दूसरा फैक्टर मेरा साइज वाला है जो बता रहा है एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मेरा फाइनल क्या होगा मुझे ये बता दो, जब मैं टॉप से बॉटम जाऊंगा कंपेरिजन करूंगा, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा एक ग्रुप की, तो एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा फैक्टर घटा रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्या होता है, मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है किसमें, इसके एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग में, चाहे वो क्रोमियम की हो या टंगस्टन की हो। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, और जिसकी वजह से एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बोथ 1s2 फैक्टर अप्लाइज, ठीक है, हियर, ठीक है, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। सो कैंसिल आउट, ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं। इन ऑल थ्री केसेस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है तीनों के केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, चाहे वो क्रोमियम का हो, मोलिब्डेनम का हो या टंगस्टन का हो, क्योंकि दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है। अगर मैं इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डाटा लिखूं, ये देखो ये साफ करके मैं डाटा लिख देता हूं, यही लिख लेना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डाटा क्या होगा, सी आर सी ओ का होल सिक्स का इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1998 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी है, V of CO है ये, और इसके केस में कितनी है 2002 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके केस में क्या है 1999 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है CO। तो क्या हुआ, पहले किसी बढ़ी फिर घट गई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि भैया हुआ क्या, एक फैक्टर घटा रहा था एक एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग को, एक फैक्टर बढ़ा रहा था, एक्सटेंड ऑफ पाई बैंड बॉन्डिंग इंक्रीज कर रही थी, तो क्या हो रहा था मेरा एक्सटेंड ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करती है तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, दैट्स इट। ये तीनों का इनका स्पेसिफिक डाटा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम पाई एक्सेप्टर करेक्टर ऑफ लिगेंड, जैसे मैंने एक बात बोली अभी नोट बोला कि जिनमें भी अनसेचुरेशन होता है, अनसेचुरेटेड लिगेंड्स आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। कैसे लिगेंड्स होते हैं, वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। तो अब उनमें पाई एक्सेप्टर का एक कोई तो स्ट्रॉन्ग भी होगा, कोई वीक भी होगा, ठीक है। तो भैया क्या होता है कि पाई एक्सेप्टर करेक्टर या लुईस एसिडिक करेक्टर की बात करो, पाई एक्सेप्टर करेक्टर क्या है, लुईस एसिडिक करेक्टर ही तो है, एक्सेप्ट करना। अरे यार समझाता हूँ कि पाई एक्सेप्टर करेक्टर लुईस एसिडिक करेक्टर कैसे है, बिल्कुल अभी बात करते हैं इसकी, बिल्कुल नेट गेट के पर्पज से चल रहा है, बिल्कुल क्योंकि उसी में ऐसी टर्म यूज करता है वो फालतू, ठीक है। पाई एक्सेप्टर करेक्टर, और इसी को हमने क्या बोला है, लुईस एसिडिक करेक्टर। क्या है, पाई एक्सेप्टर करेक्टर, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेक्टर या लुईस एसिडिक करेक्टर। लुईस एसिडिक क्या होते, क्या होते हैं लुईस एसिड, लुईस एसिड होते क्या है बताइए। लुईस एसिड वो एसिड्स होते हैं जनरली जिनमें क्या होता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, और मेरा पाई एक्सेप्टर भी तो क्या करता है, मेटल को पहले सीओ ने दे दिया फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही तो कर रहा है, और पाई एक्सेप्टर करेक्टर ही तो लुईस एसिडिक करेक्टर है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ये एक्सेप्ट ही तो कर रहा है, तो लुईस एसिड भी तो ये काम करते हैं। अगर मैं BH3 की बात करूं तो ये भी तो बैक एंड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही तो करता है, बैक एंड में क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही तो करता है, वही तो लुईस एसिडिक करेक्टर है, वही करेक्टर तो शो करते हैं मेरे पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इसका अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर लिख लेंगे सबसे अच्छा NS NO, ठीक है,
CSE CS CO PF3 RNC, ठीक है, PCl3 ASOR का होल थ्राइस, ठीक है, मेन मेन तुम्हें याद हो जाएंगे, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे OAR का होल थ्राइस मुझे याद नहीं है, तो POR का होल थ्राइस, PPS3, PME3, ठीक है, P टर्शरी ब्यूटाइल का होल थ्राइस, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके बाद क्या आता है, NR3, और इसके बाद पिरीडीन, ठीक है, ये क्या होता है, पाई एक्सेप्टर करेक्टर, सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर करेक्टर NS का होता है, बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर करेक्टर होता है, यानी देखो ये CO से भी अच्छे एक्सेप्टर करेक्टर है, और CO को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, और NC अच्छा है CN से, NC किससे अच्छा पाई एक्सेप्टर का लिगेंड है, CN से, देखो इसका फर्क पड़ता है, जितना ज्यादा पाई एक्सेप्टर नेचर, जितना ज्यादा पाई एक्सेप्टर नेचर उतना CO या NO बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो देखो अगर मैं NO का केस ले लिया, NO ले लिया, मेटल से कंबाइन कर रहा है, ये अच्छा पाई एक्सेप्ट करेगा देन CO से भी अच्छा पाई एक्सेप्ट करेगा, अब CO से अच्छा पाई एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा पाई एक्सेप्शन होगी, तो ज्यादा NO की बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट आएगा, वही केस होता है, जैसे अगला एग्जांपल में अगर एक कोई एग्जांपल सॉल्व करने की बात करूं तो पाई एक्सेप्टर करेक्टर की मैं बात करता हूं, क्या फर्क पड़ा लेगा, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल PF3 का होल थ्राइस CrCO का होल थ्राइस, ठीक है, और दूसरा है PCl3 का होल थ्राइस CrCO का होल थ्राइस, तो CO तो सेम करेक्टर वाला है, अब पाई एक्सेप्टर करेक्टर PF3 और PCl3 में किसका ज्यादा अच्छा है, देखो PF3 ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, ये इससे लेस